हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभी से, और आप देख रहे हैं स्टडवीर अभी से। इंडियन नेवी AMRSSR अग्निवीर भर्ती 2022 में जो है उसके रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स बन रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम हो रही है उसे कैसे सॉल्व करें, अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करते टाइम प्रॉब्लम हो गई है और वो कुछ डिटेल्स गलत फिलअप कर चुके हैं तो उनको क्या करना होगा, और क्या बदलाव हुए हैं इस बार, कितने परसेंट वालों का आएगा एडमिट कार्ड, ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरीके से एग्जामिनेशन होने वाली है, और क्या सबका एडमिट कार्ड आ सकता है, क्या सभी के एडमिट कार्ड आने के चांसेस हैं। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को और कंप्लीटली डिस्कस करेंगे इन चीजों को, इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखना, तभी आप समझ पाओगे, अदरवाइज आप यहीं से छोड़कर जा सकते हो वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा मैं कि अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे और इंडियन नेवी की बेस्ट तरीके से आपको मैं तैयारी भी कराऊंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर सारी अपडेट्स और PDF नोट्स आपको मिलती रहती हैं। स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और उसके बाद सारी डिटेल्स आपके सामने। क्रैक एनडीए 2022 इन 45 डेज, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी विद टॉप एडुकेटर्स। इसमें आप इनरोल कर सकते हो और अपनी स्ट्रेटजी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हो टॉप एडुकेटर्स की मदद से। कोड आपको यूज करना है ABStudy10 इनरोल करते टाइम। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है इसका। आगे बात करें तो सुपर 30 एनडीए 2022 के लिए क्रैश कोर्स ऑन गोइंग है, ये 6 जुलाई से 14 अगस्त तक चलेगी। आप चाहो तो इसके लिए इनरोल कर सकते हो और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंडिया टॉप एडुकेटर्स। उसके बाद आगे अगर हम बात करें, एनडीए CDS एफकेट के लिए ऑफर भी है। ऑफर क्या है, अगर आप 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 मंथ की प्लस सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल रही है, अगर आप 12 मंथ की प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 12 मंथ की SSB सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रही है, और अगर आप 24 मंथ्स की प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4 मंथ की प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रही है। तो आप अभी इनरोल कर सकते हो इसके लिए, 12 से 14 जुलाई के बीच में जो लोग लेंगे वहीं इस ऑफर का फायदा उठा पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप इनरोल करते टाइम अगर ABStudy10 यूज करेंगे किसी भी बैच कोर्स पे तो आपको 10% की एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगी। तो और क्या चाहिए आपको, जाओ और फायदा उठाओ। साथ ही साथ अनअकैडमी ब्रांडेड नोट्स हैं, इसमें क्या है, ये रिव्यूड बाय टॉप एडुकेटर्स हैं, क्यूरेटेड बाय एक्सपर्ट्स हैं, एसेसिबल एनीवेयर एंड एनी टाइम हो जाएंगे आपको। आइकॉनिक लर्नर्स को ये ब्रांडेड नोट्स जो है वो डिलीवर किए जाएंगे उनके डोरस्टेप पे, प्लस लर्नर्स को उनको ऐप में मिल जाएगा एक्सेस। उसके बाद अगर बात करें तो ये वैलिड होगी 6, 12 और 24 महीने की एनडी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे, ऑफर वैलिड नहीं होगी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे। तो आप इसके लिए इनरोल कर सकते हो और फायदा उठा सकते हो। साथ ही साथ ये मेरी फ्री स्पेशल क्लास है जो कि अनअकैडमी पे आज होगी, यानी 14 तारीख को होगी, 14 जुलाई को रात के 8 बजे। आप इनरोल कर सकते हो इसके लिए, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के टॉप क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, और इनरोल करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा इस क्लास के अंदर। इनरोल करते टाइम अगर आपको कोई कोड पूछा जाए तो ABStudy10 डाल करके आप अनलॉक कर सकते हो फ्री क्लास को, फ्री में अनलॉक कर सकते हो और फायदा उठा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस क्लास का लिंक भी दे रखा है, जाओ इनरोल करो, फायदा उठाओ, लेट्स क्रैक इट। तो अब बात करते हैं अलग अलग करके, इस बार बदलाव जो हुए हैं वो क्या हुए हैं, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस बार बदलाव की लिस्ट कुछ लंबी है, जैसे गर्ल्स को चांस दे रहे हैं इस बार, और गर्ल्स को चांस दे रहे हैं तो किस तरीके से, अलग अलग तरीके से, SSR में भी और AMR में भी, दोनों के लिए चांस दे रहे हैं गर्ल्स को। पहली चीज ये चेंज हुई है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो अलग अलग तरीके से आई हुई हैं। जैसे AMR के लिए जो वैकेंसीज हैं वो 200 हैं सिर्फ, आपको पता है ये 400 होती थी, और SSR के लिए जो है वो 2800 वैकेंसीज हैं टोटल, 2800 है, ठीक है। तो इस तरीके से है। और अगर हम बात करें बॉयज और गर्ल्स की, तो यहाँ पे अलग अलग करके अगर देखें तो 40 वैकेंसीज AMR में है गर्ल्स की, और 560 वैकेंसीज जो हैं वो SSR में है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 600 वैकेंसीज एक तरीके से गर्ल्स के लिए है और 2400 वैकेंसीज बॉयज के लिए है। इस तरीके से ये आंकड़ा रखा गया है, जो कि आगे इन फ्यूचर जरूर इसे इंक्रीज करा जाएगा। अब उसके बाद जो बदलाव हुआ है वो बदलाव ये है कि एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है 17.5 साल से 23 साल तक। तो 23 साल तक आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। तो ये दूसरी चीज है जो कि एक बड़ा बदलाव है।
ये बदलाव है। अब आगे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम के बारे में। तो बहुत सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनको मैं यही बोलूंगा कि आप साइबर कैफे से ही कराओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। कुछ पैसे लगेंगे और आप साइबर कैफे से कंप्लीट करा लोगे अपने रजिस्ट्रेशन को, ठीक है। अब जिन्होंने कर लिया है और उनको कोई प्रॉब्लम हो गई है, जैसे उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है और कोई ऐसी इशू हो गई है जिससे कि उन्हें लगता है कि आने वाले टाइम में उनको प्रॉब्लम होगी, तो उनको कुछ करने की नीड नहीं है। दूसरी ईमेल आईडी आप क्रिएट करो और दूसरी ईमेल आईडी से दूसरी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके और उससे फॉर्म को फिलअप कर दो, ठीक है। ये इसमें ज्यादा सोचने की नीड नहीं है। और जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन में जो भी प्रॉब्लम हुई है इससे आप सॉल्व कर सकते हो। अब कुछ लोगों का सवाल है कि क्या अप्लाई करते टाइम भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, तो जी हाँ बिल्कुल आप अप्लाई करते टाइम कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि वैसे ही वेबसाइट स्लो काम करती है, सब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर भी आपको अगर लगता है कि आप उस टाइम पे करना चाहते हो तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आगे कितने परसेंट वालों का एडमिट कार्ड आएगा, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो एडमिट कार्ड आएगा वो स्टेट वाइज मैनर में आएगा, स्टेट वाइज अलग अलग वेरियस वैकेंसीज भी हैं तो उस प्रकार से ही यहाँ पे एडमिट कार्ड आएगा। लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं, ये जो है ऑफलाइन ऑनलाइन वाला और उसके बाद सबका एडमिट कार्ड आएगा या नहीं वो वाला। सबसे पहले बात करते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्जाम का। तो यहाँ पे साफ साफ इनके नोटिफिकेशन में दिया गया है कि जो एग्जामिनेशन होगी ऑफलाइन होगी और वो इंडियन नेवी कंडक्ट कराएगी अलग अलग टाइम पे। इंडियन नेवी अक्टूबर में अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को बुला करके जो भी शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको कराएगी। शॉर्टलिस्टेड से याद आया क्या एडमिट कार्ड सभी का आएगा? जी हाँ, एक बार फिर से क्लैरिफाई करा इंडियन नेवी ने कि एडमिट कार्ड जो है सबका नहीं आएगा, उन्हीं लोगों का आएगा जो कि शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। मान लो आपके स्टेट में बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, उसमें जिनका हायर परसेंटेज होगा उन लोगों को ही चुनकर इंडियन नेवी बुलाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमेशा ऐसी प्रोसेस चलेगी? अभी फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है आने वाले टाइम में, लेकिन एक चीज के लिए कंफर्मेशन मैं दे सकता हूं कि आने वाले टाइम में ये चीजें जरूर चेंज होने वाली हैं। क्या पता नेक्स्ट इंटेक से ही हो जाए, तो आपको घबराने की नीड नहीं है और आप अप्लाई जरूर करना क्योंकि लक का पता नहीं है, क्या पता आपका एडमिट कार्ड आ जाए। तो सबका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, उन्हीं लोगों का आएगा जिनका हायर परसेंटेज होगा, ओके। अब कितने परसेंट वालों का एडमिट कार्ड आएगा आप समझ गए ना। अब परसेंटेज की बात करें तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जाती है, जैसे कि आपका स्टेट होगा आपके यहां से कम लोग अप्लाई करते होंगे, कम वैकेंसीज होती होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कम परसेंटेज पे भी एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे जो है हायर परसेंटेज वालों का 95, 96, 97% वालों का एडमिट कार्ड आता है, तो हायर परसेंटेज पे भी एडमिट कार्ड जाने वाला है, मतलब 90 के आसपास ही एडमिट कार्ड के लिए कट ऑफ रह सकती है जो ये राज्य हैं यूपी, बिहार, हरियाणा, ये सब। तो इस तरीके से ये चीजें होने वाली है, तो ये सारी कंप्लीट डिटेल्स इस प्रकार की होने वाली है। एक और चीज आपको बता दूं कि ये जो है एमआर एसएसआर, ये दोनों अलग अलग एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाएंगी। एमआर का सेम जो है 50 questions in 30 minutes, जिसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस और मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, और एसएसआर का भी सेम है कि 100 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स की टाइम आपको दी जाएगी और उसमें आपको कंप्लीट करना होगा चार सेक्शन को। एक सेक्शन वन में होगा फिजिक्स, मतलब जो साइंस का सब्जेक्ट है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग जो होगी, उसके बाद आपको तीसरे सेक्शन में मैथ्स, मैथमेटिक्स, और उसके बाद चौथे सेक्शन में इंग्लिश दिया जाएगा इस प्रकार से। और एक और चीज आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे कि ये जो कट ऑफ जाएगी यानी मेरिट लिस्ट के लिए कट ऑफ जाएगी वो स्टेट वाइज मैनर में जाएगी, मतलब स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ जाएगी। जैसे बंगाल की अगर 35 है एसएसआर के लिए सपोज, तो मे बी महाराष्ट्र की 33 भी हो सकती है या यूपी की 42 भी हो सकती है आउट ऑफ 100। तो इस तरीके से कट ऑफ जाएगी स्टेट वाइज जैसे पहले जाती थी, ऑल इंडिया लेवल पे इसकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। तो ये सारे चेंजेस हैं, इस प्रकार से चीजें होने वाली हैं। आप लोगों के एडमिट कार्ड आएंगे या नहीं ये आपका परसेंटेज डिसाइड करेगा, और परसेंटेज भी किसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या फिर फिजिक्स और मैथ्स और उसके साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट होगा उसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे और उसी के ऊपर डिसाइड करा जाएगा कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। ये सारी चीजें क्लियर हैं, तो क्लियर रखना अपने दिमाग में इन थॉट्स को। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं करा है तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने से पहले ही रजिस्टर कर लो, क्योंकि 15 से 22 के बीच बहुत ही कम समय आपको दिख रहा होगा, 7 दिनों में, और मे भी ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो वेबसाइट पे तो आपको दिक्कत हो जाए, तो आप अभी से रजिस्टर करके रख सकते हैं। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।